मैं चाहूंगा कि इतने आप विशेष तालियां आरती जी ने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं तो आज आना संभव नहीं और इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए मुझे पता है क्योंकि ऐसे सारे कार्यक्रम मैं भी बहुत से कर चुका हूं बहुत मेहनत लगती है और बड़ी टीम लगती है मैं सारी टीम का यहां पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे भाई मंच पर बैठे जिन्होंने मुझे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से देखा है और आज मैं जो कुछ भी हूं अगर मैं आज वहां से यहां तक आया हूं तो उसमें एक छोटा योगदान मनीष अवस्थी जी का भी है ऐसा मैं कहता हूं मेरे दूसरे भाई विवेक अग्निहोत्री जी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं डॉक्टर चंद्रशेखर जी और एकमात्र महिला देखिए सब हंस रहे एकमात्र कहा मतलब और भी होनी चाहिए श्वेता शाली जी जिन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए मुझे यहां आने पर ऐसे लगा था कि मैं भी अपने कॉलेज में मैं खालसा कॉलेज का स्टूडेंट हूं मुंबई का तो उस वक्त भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे मुझे लगता था कि क्या मंच वाले बोर करते यार बोलते जा रहे ऐसा तो नहीं है नहीं ऐसा हो तो मैं कक्षा कर दूंगा तो आज मेरे कॉलेज के दिन भी मुझे यहां पर याद आ रहे एक समय था कि मैं भी वहां बैठता था और आज इस तरफ हूं और वहां से यहां आने का दौर कोई आसान नहीं था मैं चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में यह दौर आसान रहे आपको उतनी मेहनत न करनी पड़े जितनी हम लोगों ने करी है और मुझे लगता था कि बहुत सरल सा मुझे आपको इंस्पिरेशन देने वाला भाषण मुझे केवल करना लेकिन यहां आने पर मुझे लगा कि यू आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड यू डोंट नीड मच इंस्पिरेशन सो आई हैव कम विद सम फैक्ट्स जीरो रीइन्वेंट इज जीरो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसने भी ये चुना है वो शाहरुख खान की फिल्म आई थी तो ऐसा तो नहीं कि सभी को शाहरुख खान बनना पर उतना मत बनना भाई जीरो पॉवर्टी जीरो करप्शन जीरो टेररिज्म बहुत अच्छा और ये तीनों इंटरकनेक्टेड अगर जीरो पॉवर्टी को हासिल करना है तो लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए सरकारों की योजना उस तरह से आनी चाहिए जीरो करप्शन की ओर जाना है तो उसमें भी लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए एजुकेशन का स्तर बढ़ना चाहिए और पॉवर्टी कम होनी चाहिए और टेररिज्म को अगर हटाना है जीरो टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन और करप्शन इरेडिकेशन ये दोनों अपने आप आ जाते हैं लेकिन ये तीनों चीजों को अगर हमने हासिल करना है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है हमारी सरकारों की राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार क्योंकि ये जिम्मेवारी अपने एक व्यक्ति नहीं उठा सकता एक व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सकता और सरकारों की जिम्मेवारी जब हम बात करते हैं तो जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो जाहिर है कि हम सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ जाते हैं 2017 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो क्या कहता है कि हिंदुस्तान 100वें पायदान पे है 119 देशों में 100वें पायदान पे है आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा इशू है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भारत जो है हम कितनी बड़ी
बातें करें, आज की मौजूदा सरकार कितने ही जुमले बोले, कितनी ही बड़ी बातें करे, लेकिन हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पाकिस्तान से पीछे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा देश 45 देशों के अंदर 39वें पोजीशन पे है, 39 पोजीशन पे है। इनकम इनइक्वालिटी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है देश में, मोड़ी की बातें होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें होती है, बहुत से जुमले रोज अखबार को पहले पन्ने पर आते हैं, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी क्या है कि 1% भारतीय के पास में 73% वेल्थ है हमारे देश की, केवल 1%, उसके पास में 73% वेल्थ है, तो ये इनइक्वालिटी इतनी बड़ी है। 77% हमारा जो एम्प्लॉयड यूथ है, ही इज इनटू वल्नरेबल जॉब्स, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग जॉब टुडे और टुमारो, यानी जो छोटे ड्राइवर है, दुकान पे काम करता है, ऐसे 77% यानी 77% ऑफ द यंगस्टर्स आर इनटू वल्नरेबल जॉब्स। सो दिस सिचुएशन नीड्स टू बी इंप्रूव। बेरोजगारी की बात होती है, जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो बेरोजगारी से लिंक हो जाता है। बेरोजगारी हमारे देश के अंदर कम नहीं हुई है, 7.3% है, और 7.3% इज क्वाइट हाई, और ये पिछले 2 सालों का आंकड़ा है। सीएमआई की रिपोर्ट, ये केंद्र शासन की रिपोर्ट है, कि 1,10,00,000 नौकरियां हमने पिछले 2 वर्षों में खोई है, 24 लाख सरकारी नौकरियां आज भी रिक्त है, खाली पड़ी है, सरकार राज्य की और केंद्र की सरकारें उसको भर रही है। और ये सब हो क्यों रहा है, क्यों नौकरियों के लिए नौजवान परेशान है, क्यों नौकरियों के लिए हाय हाय हो रही है आज कश्मीर के अंदर भी, पढ़ा लिखा नौजवान भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा, डॉक्टर MD है और वो इंजीनियर है, वो CA है, वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा, इस देश में नौकरियां नहीं है। क्यों ऐसे हो रहा, क्योंकि इस देश में कई योजनाएं आई है, एक नोटबंदी योजना आई, आई ना, रात को 8 बजे आपकी जेब का पैसा, फिर टैक्स बदलो योजना, गब्बर सिंह टैक्स, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी जो गलत इंप्लीमेंटेशन हुई है हम उसके खिलाफ। और इनके अलावा भी इन दोनों योजनाओं ने, और इनके अलावा कई ऐसी योजनाएं आई, मैं वो सब बोलने जाऊंगा तो बहुत समय है, एक के बाद एक ऐसी योजनाएं आई जिससे नौकरियां कम होती, और केवल 2 योजनाएं और थी जो देश में बहुत फेमस हुई, एक थी भगोड़ा योजना और दूसरी थी पकोड़ा योजना। भगोड़ा योजना ने क्या किया, भगोड़ा योजना ने जो मोदी जी के साथ अभी डावोस की बात हुई थी तो मुझे याद है, जो डावोस के फोटो खिंचा रहे थे, याद है कौन, नीरव मोदी, जो डावोस में फोटो खिंचाते थे, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री मेहुल भाई करके बुलाते थे, ऐसे जतिन देसाई, विजय मल्या और ललित मोदी देश का 60,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए, और ये चौकीदार खड़े हो गए, जोर जोर से प्रचार होता है, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, हमने इतने करोड़ लोगों को
मुद्रा योजना के तहत पैसे दिए। आपको आज आंकड़े बताता हूं और ये सब पार्लियामेंट के आंकड़े मेरे खुद के नहीं है। जितने मुद्रा लोन वितरित हुए उसमें से 91% मुद्रा लोन जो है वो 11,000 से लेकर के 23,000 रुपए तक के। अब 11,000 से 23,000 में पकोड़े की दुकान खुल सकती है भाई, या पान की दुकान खुल सकती है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बोला था कि पान का ठेला खुल सकते हैं। तो यदि आज का नौजवान नौकरी के लिए त्रस्त है, हम पॉवर्टी की बात करते हैं लेकिन उनके लिए योजनाएं हम पर्याप्त नहीं बना सकते। उसके आगे अगर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसका प्रतिशत गिरा है। 30 लाख एमएसएमई जो है वो बंद हुई है पिछले 2 सालों में और उसकी वजह से 3 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। 2 सालों में 780 स्टार्टअप बंद हुए, हमारा एक्सपोर्ट गिरा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है इस देश की 63 वर्षों में, ये 60 साल और 70 साल की बात करते हैं, 63 वर्षों में इस देश की क्रेडिट ग्रोथ इतनी नीचे नहीं गई है जितनी ये पिछले 2 वर्षों में गई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस देश में गिरी है, एफडीआई गिरा, एनपीए बढ़े हैं। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स की वजह से हमारा इनफॉर्मल सेक्टर और एग्री सेक्टर को नुकसान हुआ है। और एनपीए के मैं आपको आंकड़े बता दूं कि 2014 में 36% एनपीए था और आज 2018 में 90% एनपीए हो गया है। 36,000 करोड़ रुपए का एनपीए 2014 में था, आज 10 लाख करोड़ रुपया हो गया है 2018 में। और अब नई सरकार ने क्या किया है, नया शगुफा छोड़ा है। आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण, भाई हमने मदद की है, हमने सपोर्ट किया है, क्योंकि इनकी नीति ठीक लगी लेकिन इनकी नियत में खोट है, इसलिए हम आपके सामने हैं। % आरक्षण देने की बात सोची लेकिन नौकरियां कहां है? मैंने तो आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब बता दिया। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नागपुर के ही मंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है, मनीष जी यहां बैठे, जब मराठा आरक्षण की बात चल रही थी तब गडकरी साहब ने खुद कहा कि आरक्षण सबको चाहिए लेकिन बाबा नौकरियां कहां है, नौकरियां कहां है। अरे भाई खुद आप कह रहे हैं नौकरियां कहां है और फिर 10% आरक्षण की आप बात करते हैं, ये कब तक लॉलीपॉप बांटोगे? चुनाव आ रहे हैं, अगर आप लोग वोटर रजिस्टर हो तो ऐसे बहुत से लॉलीपॉप मिलेंगे, चुनावी लॉलीपॉप इसको कहा जाता है, क्योंकि इनको भी पता है कि 4.5 साल हमने कोई काम नहीं किया, तो अब इसी तरह के लॉलीपॉप बांट करके ये अपना राज तिलक कराना चाहते 2019 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेबर ब्यूरो सर्वे है, उसका भी थोड़ा सा 2 लाइन बता दे, मेरे आंकड़े नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, लेबर ब्यूरो सर्वे है, उसकी अक्टूबर से दिसंबर 2017 तक की रिपोर्ट ही गवर्नमेंट ने नहीं दी है क्योंकि वो रिपोर्ट नेगेटिव है। 2018 में नीति आयोग, ये भी केंद्र सरकार की है, नीति आयोग ने कहा है कि भारत को बेरोजगारी ने जकड़ा है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, गूगल सर्च करिए कर देखिए। और आज भी खबर है, आज के अखबारों में खबर है, अगर आपने पढ़ा होगा कि नासिक जिले के 3 किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। और एक महिला, एक कामले महिला मुंबई की, उसने मंत्रालय के सामने अपने आप को जलाने का प्रयास किया, इसलिए क्योंकि उसके घर में कोई नौकरी किसी के पास नहीं है, वो खुद भी नौकरी नहीं कर पा रहे। और फिर ये कहते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं,
फिर कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, आपने भी पूछा हमारे से हिसाब भाई। अधिकार है हर किसी का, डेमोक्रेसी है हर किसी का अधिकार है भाई। मैं ज्यादा लंबे नहीं बोलूंगा लेकिन शॉर्टकट में दो लाइनों में बताता हूं कि यही कहते हैं कि 10% जो आरक्षण दिया है उसमें 8 लाख की इन्होंने वो लिमिट रखी है। जब गरीब श्रवण 8 लाख तक पहुंच गए तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि नहीं है? आज देश का जो श्रवण जिसको आप कहते हैं, जिसको आप आरक्षण देने जा रहे हैं, उसकी आरक्षण की लिमिट आपने 8 लाख रुपए रखी है, आपके इनकम टैक्स की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। तो अगर आप वो 8 लाख रुपए पकड़ रहे हैं तो क्या वो उपलब्धि नहीं है कि आज एक व्यक्ति की 8 लाख रुपए इनकम है फिर भी वो गरीब माना जा रहा है इस देश में? तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस विषय में अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जो हमेशा बोलते हैं कि 60 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया, फलाना ढमकाना बोलते रहते हैं, भगवान की इस सृष्टि में कई पशु और कई पंछी ऐसे हैं जिनको दिन में नहीं रुकता, ये उनका कसूर नहीं है। उसी तरह से अगर 7 सालों का काम किसी को नहीं दिखता तो वो कांग्रेस का कसूर नहीं है। अब आते करप्शन पे, ये भी बहुत जरूरी है भाई। अभी चंद्रशेखर साहब ने, डॉक्टर साहब ने बताया बाइक का इंश्योरेंस बताया, तो हवलदार पकड़ता तो अपन क्या करते हैं? ले भाई 50 रुपए घे अंडा, तो 50 से 100 घे जाओगे बाबा। लेकिन इस पे हमको अंकुश लाना चाहिए और इस पे अंकुश लाने के लिए मैं फिर आपको इंडेक्स की ओर ले जाऊंगा। एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी फोरम है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें 180 देश है और उसमें भारत का नंबर 81वें पायदान पर हम लोग हैं। 2014 का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम कहा था कि जो स्विस बैंक में पैसा पड़ा है 80 लाख करोड़ रुपया, वो सब ले आऊंगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए। बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां पर
बैंकों में बीजेपी के नेता डायरेक्टर हैं, वहां पर 14,440 करोड़ रुपया पहले 5 दिनों में जमा हुआ। कहां है ईडी, कहां है आईटी, कहां है सीबीआई? सब हिस मास्टर वॉइस होके वो एचएमडी रिकॉर्ड आता था ना पहले पुराने जमाने में। तो इसकी तहकीकात कौन करेगा? इसकी तहकीकात कोई नहीं करता। एक नाम था व्यक्ति का, महेश अवस्थी जी जानते होंगे, महेश शर्मा। ये महेश शर्मा आप लोगों ने अगर टीवी देखा होगा तो उस समय उसने खुलेआम टीवी चैनल पर आकर के कहा था मेरे पास 3,186 करोड़ रुपया है, और वो TV9 के स्टूडियो में बैठा था। TV9 के स्टूडियो से उसको गुजरात की पुलिस पकड़ के लेकर के गई। आज तक उस आदमी का पता नहीं चला वो पैसा किसका था, वो महेश शर्मा कहां है उसका कोई पता नहीं। और ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में जो मैस्कॉट है रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटका के, उनको ये बेल आउट करते हैं और उनके घर के 3-3 मेंबर चुनाव लड़ते कर्नाटका के। करप्शन के दूसरे मैस्कॉट येडियुरप्पा, इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है। और ये भ्रष्टाचार मिटाने वालों को पूछो कि भाई 5 साल हो गए आपने अभी तक लोक आयुक्त तक उन्हें अपॉइंट किया, आपका वादा था। अन्ना जी बेचारे बैठे थे उपोषण पर अनेक दिन, 2014 का चुनाव ये अन्ना के नाम से जीते, 2019 का चुनाव ये जिन्ना के नाम से जीतना चाहिए। और केवल लोक आयुक्त नहीं, अनेक ऐसे किस्से हैं जिसमें भ्रष्टाचार है लेकिन सरकार जो है वो काला चश्मा पहन के बैठी है। पनामा पेपर आपने सुना होगा, कोई तहकीकात नहीं। पैराडाइज पेपर कोई तहकीकात नहीं। सहारा डायरी कोई तहकीकात नहीं। स्विस बैंक में खुद सरकार ने कहा कि वहां पर पिछले 2-3 सालों में डिपॉजिट्स बढ़े। तो भाई किनके डिपॉजिट हैं लिस्ट जारी करिए अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। आज तक सरकार ने बिल्कुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट नहीं जारी करी है। और फिर जितने और घोटाले थे, चाहे मध्य प्रदेश का व्यापम का घोटाला, गुजरात का जीएसपीसी का घोटाला, छत्तीसगढ़ का पीडीएस का घोटाला, खनन घोटाला, जमीन घोटाला, महाराष्ट्र का चिक्की घोटाला, वो तो याद होगा चिक्की घोटाला, कोई तहकीकात नहीं। सुभाष देशमुख का लोक मंगल एग्रो 74 करोड़ का घोटाला, आदरणीय प्रकाश मेहता जी का हाउसिंग का घोटाला, एकनाथ खड़से जी का घोटाला, विष्णु सावरा का घोटाला, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं जो मंच पर आकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन सही का नहीं। फिर एक अधिक बात है कि अगर कोई व्यक्ति विपक्षी पार्टी में है, कांग्रेस में है या टीएमसी में है या किसी पार्टी में है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी खूब गली आती है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, ये है वो है। लेकिन जिस दिन वो उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसका गंगा स्नान हो जाता है। टीएमसी के पुत्र करवाए नारा सिंह केस के अंदर वीडियो में पैसे लेते हुए दिखता है। जब तक टीएमसी में था तो भ्रष्टाचारी था, भारतीय जनता पार्टी में गया तो गंगा स्नान हो गया। सुखराम जी टेलीकॉम का घोटाला, अपने बेटे को अनिल शर्मा को भेज दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, दोनों का गंगा स्नान हो गया। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी का आसाम का नेता, उसके खिलाफ खूब अमित शाह जी नारे लगाते थे जाकर, अरे पानी का घोटाला इसने किया, पानी का घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। आज वो हेमंता बिस्वा शर्मा इनके होम मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी, यानी जब तक वहां है तो उनका दूसरी विपक्षी पार्टियों में है तो वो भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो गंगा स्नान हो गया इनका, ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गंभीर बात बोल रहा हूं, पेमा खांडू में गंभीर आरोप लगा रहा हूं, मेरे पे केस हो सकता है। अरे भाई ये पेमा खांडू जो है
इसके पूर्व जो मुख्यमंत्री थे काली को फूल अपनी सुसाइड नोट में लिख के गए, ये भ्रष्टाचारी और इसने मुझे दुख पहुंचाया। वो पेमा खांडू बीजेपी में जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है। और रफेल बताइए भाई, केवल 5 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों परेशान है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी तो आपने झूठ बोला है, वहां भी तो गलत दस्तावेज दिए हैं, बेचारा जज क्या करेगा? फिर आप करेक्शन पिटीशन फाइल करते हो कि भाई हमको माफ कर दो, करेक्शन कर दो। यानी अगर नजरअंदाज हो गया होगा तो ये 5 साल थे। और हम मान क्या रहे, इस देश की जनता मान क्या रही है? इस देश की जनता कहती है कि जेपीसी इंक्वायरी लगा दीजिए। भाई जेपीसी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के होंगे,